जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है हिदायत रोक देता है। अल्लाह किसी से नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो खशियत इलाही के जज्बे छीन लिए जाते हैं, तो वो ये दौलतें ले लेता है। बंदा समझता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, और तू कौन है ना जाने वाला, वो बुलाता ही नहीं, तुझे तौफीक के सजदा ही नहीं देता है, तो तू कौन है, तू तो भागता हुआ जाए। यार किसी को कार्ड आया हो किसी मिनिस्टर का तो वो कई लोगों को दिखाता फिरता है। आजकल तो वो जो है वो शेयर कर देते हैं, जी मुझे फलां ने बुलाया है, तो लोग जलियां डालते हुए जाते हैं फलां ने बुलाया। तो रब ने बुलाया हो तो कोई जाए ना, ओ मियां तुझे उसने फिर बुलाया ही नहीं। तेरे से नाराजगी ऐसी है कि तेरे कानों से आवाज तो टकराई है लेकिन तेरी रूह तक नहीं पहुंची, उसने रोक दिया रास्ते में। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके कानों में पर्दे डाल देते हैं, उनकी आंखों पे पर्दे डाल देते हैं, उनके दिल पे पर्दे डाल देते हैं। तो बंदा कहता है मैं नहीं पढ़ता, तू कौन है ना पढ़ने वाला, वो तुम्हें बुलाता नहीं, इस काबिल नहीं समझा गया, क्योंकि तूने उसके हुक्मों से मुंह मोड़ा, उसकी फरमा बरदारी को छोड़ा, तो फिर उसने भी तुझे रानता इधर डाल दिया, और भटकता फिर सवेर से लेकर शाम तक किस किस को सैल्यूट करता, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होगी उसकी हुजूर सजदा रेजी की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई सजदा रेजी नहीं करता, अल्लाह के हुजूर झुकने की अगर किसी को आदत थी तो वो मत समझे कि मैं नहीं करता। अल्लाह अकबर, उससे छीन ली जाती है तौफीक, छीन ली जाती है तौफीक। तो अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह हमसे कभी भी अपनी तौफीक न छीन, हमेशा हमारी पेशानियों को सजदे नसीब करे। तो कहा ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह अकबर, यदि उससे मोहब्बत करते हो तो उसकी नाराजगी से डर जाओ, कहीं वो रूठ ना जाए, वो नाराज ना हो जाए। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या है।